शिवराज यह बताएं कि खून के आंसू क्यों रुलाए, 20,000 क्विंटल सड़ा गेहूं राशन की दुकानों पर बांटा जा रहा है। रागिनी नायक ने महंगाई पर गाया गीत, जीना दुश्वार हो गया, एमपी बदहाल हो गया, नौकरियों का अकाल हो गया। सब्जी मंडी में बढ़ते भाव के बावजूद आत्महत्या के कगार पर खड़े लोगों से सरकार को किसी प्रकार का सरोकार नहीं। शिवराज एक तरफ कहते हैं लाडली बहन, दूसरी तरफ चौतरफा महंगाई से बहने परेशान है। लीला सीतारमन कहते हैं कि प्याज महंगी है तो प्याज खाना छोड़ दो। फग्गन सिंह कुलस्ते भुट्टा खरीदने गए तो 15 रुपए के भुट्टे का रेट सुनकर चौंक गए, तब उन्हें महंगाई का पता चला। साजापुर मंडी 3 रुपए किलो प्याज खरीदी किसानों से स्मृति ईरानी, 70 रुपए का पेट्रोल, 400 रुपए का सिलेंडर था तो चीखती थी, आज उनका क्यों मुंह सील हो गया है। रागिनी नायक, एमपी में खाने का तेल 2 गुना हो गया है, आटा 35% बढ़ा है, क्यों? सरकार को जनता के सीधे सवालों का जवाब देना मुश्किल है। जबलपुर से 20,000 क्विंटल गेहूं आया जो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं था, मगर जनता में बांटा जा रहा है। द खबरदार से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। आज हम लोगों को देख के आपके मन में भी सवाल हो गया कि वाकई में महंगाई किस स्तर पर जा चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार को देखना चाहिए। और आज हमारे लिए प्रेस वार्ता करने का लक्ष्य यही था और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो 3 सेंटर और चल रहे हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम जिलेवार भी प्रेस वार्ता करें और हम लेकर जाए महंगाई के मुद्दे को और ये बताएं जनता को कि किस तरीके से उनको ठगा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। टिकटों के लिए अगर 4,000 प्रत्याशी हों तो टिकट तो सबको नहीं मिल सकती, कोई दुखी भी होगा, कोई नाराज भी होगा। पर हमारे यहाँ ऐसे केंद्रीय नेताओं पर हमले और बोली और बंदूक निकलने की तो नौबत नहीं आई। वो इसलिए, सुन लीजिए, वो इसलिए कि ज्यादातर लोग कांग्रेसी जो है वो दुखी या नाराज हो, एक या दो दिन में बातचीत करके उनका सबका गुस्सा शांत कर लिया गया है, उन्हें मना लिया गया है। और जैसे ही अभी 1 तारीख से चुनाव, असली चुनाव शुरू होगा, जब नॉमिनेशन विड्रॉल सब हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक संगठित रूप में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी भी और चुनाव में प्रचंड बहुमत पाएगी। चाहे तो प्राइस रेगुलेट कर सकती है सरकार, चाहे तो सस्ते दाम पर सब्जी को उपलब्ध करा सकती है, कई केंद्रों से करा सकती है, पहली बार। दूसरा, सरकार चाहे तो वेयर हाउस और स्टोरेज की सुविधा और ज्यादा बढ़ा सकती है जिससे कि फसल की बर्बादी ना हो। सरकार चाहे तो मोनोपोली खत्म कर सकती है कि मान लीजिए रिलायंस के सारे स्टोर हाउस और एक ही, या मान लीजिए किसी भी एक कंपनी के स्टोर हाउस बनाने में भी आपकी मुनाफाखोरी चल रही है। ये तमाम चीजें हैं जिनको अगर रेगुलेट किया जाए तो प्राइस कंट्रोल भी हो सकता है और इसके साथ साथ किसानों की जो कमर टूट रही है वो भी रोकी जा सकती है। चाहे तो प्राइस रेगुलेट कर सकती है सरकार, चाहे तो सस्ते दाम पर सब्जी को उपलब्ध करा सकती है, कई केंद्रों से करा सकती है, पहली बार। दूसरा, सरकार चाहे तो वेयर हाउस और स्टोरेज की सुविधा और ज्यादा बढ़ा सकती है जिससे कि फसल की बर्बादी ना हो। सरकार चाहे तो मोनोपोली खत्म कर सकती है कि मान लीजिए रिलायंस के सारे स्टोर हाउस और एक ही, या मान लीजिए किसी भी एक कंपनी के स्टोर हाउस बनाने में भी आपकी मुनाफाखोरी चल रही है। ये तमाम चीजें हैं जिनको अगर रेगुलेट किया जाए तो प्राइस कंट्रोल भी हो सकता है और इसके साथ साथ किसानों की जो कमर टूट रही है वो भी रोकी जा सकती है। चाहे तो प्राइस रेगुलेट कर सकती है सरकार, चाहे तो सस्ते दाम पर सब्जी को उपलब्ध करा सकती है, कई केंद्रों से करा सकती है, पहली बार। दूसरा, सरकार चाहे तो वेयर हाउस और स्टोरेज की सुविधा और ज्यादा बढ़ा सकती है जिससे कि फसल की बर्बादी ना हो। सरकार चाहे तो मोनोपोली खत्म कर सकती है कि मान लीजिए रिलायंस के सारे स्टोर हाउस और एक ही, या मान लीजिए किसी भी एक कंपनी के स्टोर हाउस बनाने में भी आपकी मुनाफाखोरी चल रही है। ये तमाम चीजें हैं जिनको अगर रेगुलेट किया जाए तो प्राइस कंट्रोल भी हो सकता है और इसके साथ साथ किसानों की जो कमर टूट रही है वो भी रोकी जा सकती है, होगी। साथ में ग्रोथ भी बढ़ती है। जो हमारी इकोनॉमी थी जब हम सरकार में थे तो 7% से ज्यादा भी हमारी ग्रोथ रेट थी और ये सरकार का, इसका आप पूरा आकलन करिए कि 4% के आसपास, 4-5 के बीच में झूला झूल रहे हैं। तो अगर ग्रोथ होती है तो महंगाई थोड़ी होगी तो कमाई होती, महंगाई के साथ कमाई, पर यहाँ तो महंगाई भी है और कमाई नहीं है और बस दुआई दुआई है, इसीलिए इतनी ज्यादा दिक्कत है। भैया प्याज महंगी है, प्याज खाना छोड़ दो। और मध्य प्रदेश के भाजपा नेता कोई पीछे नहीं है तो ये भारतीय औसत से ज्यादा। लेकिन महंगाई सिर्फ आंकड़ों का विषय नहीं है, अर्थव्यवस्था का विषय नहीं है, ये हर व्यक्ति के दैनंदिन जीवन पर प्रभाव डालने वाला एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है।
और जिनको आप लाडली कहते हैं सबसे ज्यादा उन्हीं के जीवन को मुश्किल बनाने का काम करती। क्या शिवराज सिंह ये नहीं जानते कि अगर घर में खाना कम बनता है तो वो महिला ही है जो एक रोटी कम खाती है, वो महिला ही है थोड़ी सी ताजा सब्जी बना देगी, बासी सब्जी से खूब खाना खा लेगी, सब्जी नहीं है तो अचार से खा लेगी, और अगर खाना ही नहीं है तो पानी पीकर सो जाएगी, अपने बच्चों को पहले खाना खिलाएगी। तो ये महंगाई किस तरह से महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डालती है इसका अंदाजा लगता है शिवराज सिंह को है ही नहीं, केवल लफाजी करने के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। तो अपने घुटनों को पेट से दबाकर कि भूख का एहसास ना हो पेट में, वो लाडली बहना जो रात को सोती है भूखी, उनका दर्द उनकी व्यथा जैसा कि मैंने शुरू में कहा उसे शिवराज सिंह का कोई लेना देना नहीं। तो ये जानकर और समझ कर बनवा रहे थे कि हमारी जो पीसीसी का बजट है वो कुछ दिनों के लिए हिल जाएगा, इतनी ये माला पहनने में बहुत भारी माला है, अभी आप अगर हम जब उतारेंगे तो आप उठाकर देखिएगा। तो आज 80-90 रुपए किलो जो प्याज मिल रही है वो जनता को खून के आंसू रुला रही है। और बहुत जरूरी है कि चिर निद्रा में सोए हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को जगाया जाए और उन्हें ये याद दिलाया जाए कि प्याज के दाम में जब उछाल आता है तो वो तख्तो ताज उछाल देने का मादा रखता है। उन्हीं की सरकार गिरी थी दिल्ली में, मैं दिल्ली से आती हूं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी प्याज के दाम बढ़ाए थे। एक और महिला नेता है वित्त मंत्री देश की, उनसे पूछा गया कि महंगा हो रहा है प्याज, इतनी महंगाई है क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा मैं तो प्याज नहीं खाती, यानी कि प्याज महंगा हो जाए तो प्याज खाना छोड़ दीजिए, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए तो गाड़ी चलाना, दुपहिया वाहन चलाना छोड़ दीजिए। अब आप आजकल रोज यही हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम रात को बता देते हैं कि हमारे इतने बजे प्रेस वार्ता है, उससे एंड पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रेस वार्ता रख देती है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, बेचारे खुद इतने डिस्टर्ब हैं। तो अब सोच लीजिएगा कि वो तो कह देंगे आपसे कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उस प्रेस वार्ता से यहाँ पर अपना कैमरा ट्राइपॉड सब उठाकर पैदल चलकर आइए या साइकिल पर आइए, हाँ, क्योंकि वो नहीं चला सकते। तो तमाम ऐसी बातें आपको सुनने के लिए जरूर मिलेंगी। एक तरह तो शिवराज सिंह कहते हैं लाडली हैं बहन बेटियां, और दूसरी तरफ चौतरफा महंगाई की मार से उसी लाडली बहन और बेटी के जीवन का मजाक बनाकर रख दिया। प्याज और नमक से रोटी खाकर अपना पेट पालने वाले गरीबों की व्यथा से एक एक पैसा जमा करके अपनी गृहस्थी चलाने वाली गृहिणी के चौपट हुए घरेलू बजट से सब्जी मंडी में बढ़ते हुए भाव के बावजूद आत्महत्या की कगार पर खड़े हुए किसान की पीड़ा से चमचमाते सिंहासन पर बैठे सत्ता के चमचमाते सिंहासन पर बैठे शिवराज सिंह चौहान का कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। एक कांग्रेस का समय था जब बटुए में पैसा लेकर जाते थे और थैला भर सामान लेकर आते थे, और अब भाजपा का शासन है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कि सूरत हाल ये हो गया है कि अब थैला भर पैसा लेके जाएं और बटुए में सामान लेकर आए। मुझे याद है मोदी जी ने कहा था एक बार कि टमाटर चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे, मोदी जी ने कहा था कि चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे, चीन का तो पता नहीं, वहां तो झूला झूल रहे थे मोदी जी, पर 200 रुपए के पार जाकर टमाटर ने जनता को लाल आंख दिखाना जरूर शुरू कर दिया। आज जब हम ये प्याज और नमक से रोटी खाकर अपना पेट पालने वाले गरीबों की व्यथा से एक एक पैसा जमा करके अपनी गृहस्थी चलाने वाली गृहिणी के चौपट हुए घरेलू बजट से सब्जी मंडी में बढ़ते हुए भाव के बावजूद आत्महत्या की कगार पर खड़े हुए किसान की पीड़ा से चमचमाते सिंहासन पर बैठे सत्ता के चमचमाते सिंहासन पर बैठे शिवराज सिंह चौहान का कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। एक कांग्रेस का समय था जब बटुए में पैसा लेकर जाते थे
और थैला भर सामान लेकर आते थे। और अब भाजपा का शासन है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कि सूरत हाल ये हो गया है कि अब थैला भर पैसा लेके जाएं और बटुए में सामान लेकर आए। मुझे याद है मोदी जी ने कहा था एक बार कि टमाटर चीन की चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे। चीन का तो पता नहीं, वहां तो झूला झूल रहे थे मोदी जी, पर 200 रुपए के पार जाकर टमाटर ने जनता को लाल आंख दिखाना जरूर शुरू कर दिया। आज जब हम ये प्याज की आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है, और आज हम सभी लोगों को इस मंच पर प्याज की माला पहने हुए देखकर आप ये समझ गए होंगे कि कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। जनता के थाली से छिनता हुआ खाना, जनता के मुंह से छिनता हुआ निवाला, जनता के जीवन से छिनती हुई खुशी, जिसको हाशिए पर धकेलने का काम शिवराज सिंह सरकार लगातार कर रही है, उसे प्रखरता और मुखरता के साथ राजनीति के मुख्य धारा में लेकर आना, उठाना, ये कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है। तो आज की प्रेस वार्ता में दो प्रमुख मुद्दों पर मैं बात करूंगी। पहला, शिवराज ये बताएं प्याज ने खून के आंसू क्यों रुलाए, और दूसरा आज ही की खबर है उस पर मैं अंत में आऊंगी, गरीबों के मुंह से छीना निवाला, शिवराज सरकार ने किया अनाज घोटाला, 20,000 क्विंटल गेहूं सड़ा हुआ आ रहा है जबलपुर से, बट रहा है राशन की दुकान में ताकि जाए जनता के पेट में, ऐसा गेहूं जो कह रहे हैं कि जानवरों के खाने तक के लिए उचित नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि नाम रागिनी है तो कुछ गाकर आपको सुनाती हूँ, क्या बदहाली मध्य प्रदेश की जनता की है। ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, महंगाई आसमां को छूती जाए, टमाटर लाल आंख दिखलाए, पेट्रोल डीजल अब सेंचुरी लगाए, प्याज खून के आंसू रुलवाए, सिलेंडर में गैस नहीं भरवा पाए, थाली से खाना गायब होता जाए, के जीना तो दुश्वार हो गया, के जीना तो दुश्वार हो गया, जनता पे अत्याचार हो गया, महंगाई का भूचाल हो गया, नौकरियों का काल हो गया, कि एमपी तो बदहाल हो गया। झूठ बोलिए, झूठ बोलिए मामा, क्यों झूठ बोलिए। कर्नाटक की सरकार हमारी फ्री बस सेवा महिलाओं को दे रही, यहाँ की सरकार क्यों नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी 4,000 रुपया प्रति बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का दे रही है, शिवराज सिंह की सरकार क्यों नहीं दे रही। और मैं शिवराज सिंह की बात करती हूँ, 3,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में डालने की घोषणा कर रहे हैं, 18 साल क्यों नहीं डाला, आप कहाँ से याद आ गया ये डालना। ये चुनावी वोट और चुनावी वोट पैसों से नहीं खरीदा जा पाएगा मामा जी, आपने जो करके नहीं दिखाया वो आगे भी आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब मुझे लगता है कि करीब 32-35 इनके विधायक हैं जिनकी टिकट कटी है, 3-4 मंत्री हैं जिनकी टिकट कटी है। सबसे पहले तो ये प्रदर्शित करता है कि इनके विधायक और मंत्रियों पर इनका विश्वास नहीं है, क्योंकि वो जनता के बीच गए नहीं, जनता का काम नहीं किया, केवल मुनाफाखोरी और कमीशनखोरी की पहली बार। अब जो इन्होंने लड़ाई है, जैसा कि आपने खुद कहा, वो थके हारे और नकारे हुए लोग हैं, क्योंकि इनके पास प्रत्याशी भी नहीं, जो है उनमें सरकुटवल ऐसी चल रही है कि कपड़े फाड़ना तो छोड़िए, बंदूक निकालने की बात नौबत आ गई, केंद्रीय मंत्री पर हमला हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में किस तरीके का की अफरा तफरी है, असमंजस है, वो तो इन सारी बातों से प्रदर्शित हो रही है। इसीलिए आप पाएंगे कि असल में प्रत्याशी कौन है, भाजपा से कौन लड़ेगा कोई महत्व नहीं है, जो लड़ेगा वो हारेगा ये जनता ठान कर बैठे। मैं जब मैंने यहाँ आकर सबसे पहली प्रेस वार्ता की तो वो आधी महंगाई पर ही की थी, मुझसे पहले भी होती आई। हमने सड़कों पर प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया, जन आक्रोश यात्रा में भी जब हम बात करते चलते थे तो हम सातों दिशाओं, सात अलग अलग जगहों में, भागों में जब जा रहे थे, हमने महंगाई की बात की।
और मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जो यहाँ पर है, जिनमें महंगाई भी एक है, उसे जनता स्वतः महसूस करती है। वो बार बार बोलने या बार बार प्रदर्शन ना भी किया जाए तो भी जनता ये महसूस कर रही है, क्योंकि रोज आप देखिए, अगर एक थाली की मैं आपको उपमा दू तो अगर आप उसमें दही रखना चाहें उसमें GST, सब्जी रखना चाहें तो टमाटर 200 रुपए किलो और प्याज 80 रुपए किलो है, अगर आप धनिया रखना चाहें तो वो 150-200 रुपए किलो मिल रही है। देखिए, मैं इस पर केवल ये कहना चाहती हूँ कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं। जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, वो मंदिर मस्जिद को मुद्दा बनाने लगे। इससे ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम भी यही चाहते हैं कि जनता का कल्याण हो, जनता का भला हो। और मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये हर धर्म का मूल है जो कांग्रेस ने आत्मसात किया है। चाहे नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, हम हर किसी का ख्याल रखने और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जनता उन्हें पसंद कर रही है और कांग्रेस की जीत मध्य प्रदेश में, और मैं तो ये कहूंगी कि पांचों राज्यों में सुनिश्चित है। कल रणदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इन्हें खंबा नोचने दीजिए, कितना नोचे जाते, क्योंकि समझ चुके हैं कि जनता अभी ने वोट नहीं देगी, तो जाते जाते जनता को और ठग ले, जितना निचोड़ सके उतना निचोड़ ले। कहीं ना कहीं ये कवायद चल रही है, और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कमीशन खोरो और भ्रष्टाचारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी की सरकार सुनिश्चित करेगी। और अंत में मैं यही कहूंगी कि पिछले चुनाव में भाजपा ने नारा दिया था, अब की बार 200 पार दिया था ना, अब की बार 200 पार, तो टमाटर, अदरक, धनिया, खाने का तेल सब 200 पार हो गया। अब इस बार कह रहे हैं अब की बार 150 पार, तो दूध का जला छांछ भी फूंक फूंक के पीता है। जनता कह रही 150 पार, अब की बार तो लगता है कि ये प्याज, पेट्रोल और डीजल को 150 पार पहुंचाएंगे। तो जनता कान पकड़ के कह रही है और ताल ठोक के कह रही है कि भाजपा न जाएगी 50 के पार, तभी खत्म होगी महंगाई और घोटालों की मार। भाजपा न जाएगी 50 के पार, तभी खत्म होगी महंगाई और घोटालों की मार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी के सवाल आमंत्रित। धारण कर लिया है, क्यों नहीं बताती जनता को, बताएं ना कि मामा कैसे ठगी कर रहे हैं बहनों के साथ। 450 का सिलेंडर देंगे, सावन में देना था मिला नहीं, अब देंगे तो आपके नाम पर होना चाहिए, और जब आप जाएंगे नाम बदलवाने के लिए तो 4000 रुपया आपको देना पड़ेगी घूस, तो 400 रुपए का सिलेंडर पाने के लिए 4000 रुपए की कमीशन खोरी चल रही है। ये हाल है। अभी 2 दिन पहले मीनाक्षी लेखी भी आई थी, बड़े बड़े बयान देके गई, बहुत बयानबाजी करके गई। अच्छा लगता अगर ये भी बताती कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में खाने का तेल दुगना क्यों हो गया है दाम, खाने के तेल का दाम पिछले 3 साल में दुगना क्यों हुआ है, पिछले 1 साल में आटे का भाव 35% क्यों बढ़ गया है। ये भी बताती कि सरकार ने दूध, दही, घी, पनीर पर 5% GST क्यों लगा दिया। ये भी बताती कि सांची का मीठा दूध, सांची का मठा, सांची का श्रीखंड, ये सब क्यों महंगा होता जा रहा है। तो स्मृति ईरानी जी और मीनाक्षी जी के लिए लफाजी करना, बतौलेबाजी करना बहुत आसान है, लेकिन जनता के सीधे 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 सवालों का जवाब देना इनके बस की बात नहीं है। और अब मैं इससे अगले पड़ाव पर आना चाहती हूं। आज की खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जबलपुर से 20,000 क्विंटल गेहूं पूरे प्रदेश में राशन के जरिए वितरण के लिए आया, और उसकी हालत यह थी कि गेहूं कम, ईंट और पत्थर, गंदगी उसमें ज्यादा मिली हुई थी। और यह तक कहा गया बाद में जब पता चला और उसकी रिपोर्ट आई कि वो जानवरों के खाने के लायक भी अनाज नहीं था, और धड़ल्ले के साथ राशन की दुकानों पर उसकी बिक्री चल रही थी, बेचा जा रहा था। किसानों पर भी आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, अगर मंडी में भाव बढ़ता है, ठेलों पर, दुकानों पर भाव बढ़ता है, और अगर उससे हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों को फायदा हो रहा है,
तो भी मुझे लगता है कि जनता वो मार झेलने के लिए तैयार हो जाएगी। कि किसानों की इतनी आत्महत्या है, इतनी बदहाली है, दुर्दशा है, किसान भाई बहनों को फायदा हो रहा है। पर असलियत ये है कि किसान बेचारा हाथ मलता रह जाता है। उसकी फसल की लागत तो क्या, जो परिवहन का खर्च है वो भी नहीं निकल कर आ रहा है। पिछले साल की ही एक खबर है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शाजापुर मंडी में किसानों से 300 किलो प्याज सिर्फ 2 रुपए में खरीदा गया प्रति किलो, 300 किलो प्याज। और पिछले साल ही लहसुन का जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, वहां मंडियों में थोक में लहसुन 45 पैसे से 1 रुपए किलो के भाव पर खरीदे गए, 45 पैसे से 1 रुपए के भाव। और किसानों ने जो प्रदर्शन किया, लहसुन के ढेर पे चढ़कर नाचे, लहसुन की अर्थी निकाली, बुआई के समय बैंड बाजा लेके आए, सब कुछ किया कि सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके अपनी तरफ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुंभकर्ण की नींद में सोए शिवराज सिंह चौहान कहाँ जागने वाले हैं। अब जागे हैं तो चुनाव आ गया, अब नाक तक पानी आ गया है, तब हाथ पांव मार रहे हैं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा विदाई संभालो। और मैं उन महिला नेताओं से भी पूछना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी, जब कांग्रेस के कार्यकाल में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था, यूपीए सरकार थी, तब तो सिलेंडर पर बैठ जाती थी, सिलेंडर को प्याज की माला पहना देती थी और खूब हाय तौबा मचाती थी चिल्ला चिल्ला के, तब महंगा लगता था 70 रुपए का पेट्रोल और 400 रुपए का सिलेंडर। और आज जब मध्य प्रदेश में 1100 रुपए का सिलेंडर है, 110 रुपए का पेट्रोल है, तो होट से गए स्मृति ईरानी जी का कोई वक्तव्य नहीं आता, गायब हो गई है। तो बोले कोई बात नहीं, बढ़ गई है, जो मैंने आपसे कहा पेट्रोल डीजल बढ़ गया, साइकिल चलाइए। विश्वास सारंग जी की आजकल रोज टिप्पणियां आ जाती हैं, उनसे महंगाई के बारे में पूछा गया तो कहते हैं वो अच्छा ऐसा है ना कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था वो उसके कारण आज देश में महंगाई है, मध्य प्रदेश में महंगाई है। और एक तो बहुत ही वायरल हुआ वीडियो पिछले साल, आप सब लोगों ने देखा होगा, एक विधायक है जिन्हें जबरदस्ती चुनाव, माफ कीजिएगा, मंत्री और सांसद है जिन्हें जबरदस्ती विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है, फग्गन सिंह कुलस्ते। तो नेताजी चले अपने पूरे गाड़ियों के काफिले के साथ, मन हुआ कि भुट्टा खाया जाए, रोकी गाड़ी, तो भुट्टा खरीदने पहुंचे तो भुट्टे वाले ने कहा साहब 15 रुपए। 15 रुपए? तो भुट्टे वाले ने नेताजी को महंगाई का एहसास कराया कि देश में कितनी महंगाई है। नेताजी के लिए 15 रुपए का एक भुट्टा खरीदना बड़ी मुश्किल बात थी, तो उन्होंने कहा मुफ्त में मिलता है भैया, फ्री में खिलाओ। तो चाहे फ्री में जनता का माल अपनी जेब में ढालने वाले भाजपा के नेता हो, या फिर महंगाई पर उल जलूल बयान देने वाले भाजपा के नेता हो, ये जनता के जख्मों पर मलहम लगाने के बजाय लगातार नमक रगड़ने का काम करते हैं, ये मैंने अभी साबित करके दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।